और प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। मैं अयोध्या की धरती पे जाके प्रणाम करके आया हूं। तो आज जो मैं ये शब्द बोलने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। मंच में हमारी दो ऐसी बहनें बैठी हैं जो भावी सांसद हैं, हमारी नीलम सोनकर जी भी और हमारी वंदना सिंह जी भी। क्योंकि हमारे पूज्य मोदी जी ने जो महिला आरक्षण तय किया है, अब आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियां, हमारी बहनें आपको सदन में नजर आएंगी। तो इसके लिए मैं यही कहता हूं कि हमारी भावी दो दो सांसद बैठी हुई हैं, वंदना सिंह जी, हमारी नीलम सोनकर जी, हमारे मनोज यादव भैया। और मनोज यादव भैया पहले यहां चुनाव लड़ चुके हैं और एक साल में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ को जो आशीर्वाद दिया है, जितना ध्यान दिया है, मैं ये भी कह सकता हूं कि आने वाले दिन में मनोज यादव भी आपके विधायक बने हुए नजर आएंगे। हमारे मनोज यादव भैया भी यहां उपस्थित हैं। हमारी पूर्व महिला की अध्यक्ष डॉक्टर मंजू जी यहां उपस्थित हैं। मधु जी हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मेरे छोटे भाई और बहुत ही ऊर्जावान जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज भाई, जिन्होंने विश्व में आजमगढ़ का नाम रोशन किया अपने कला के माध्यम से, ऐसे सूरज भाई के लिए जोरदार ताली मान बढ़ाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जो अधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग के, आपने 551 बेटियों की शादी कराएंगे। क्योंकि एक बात की हो जाएगा लोग की निरहुआ के आजमगढ़ मुख्यमंत्री जी के भेजे के कारण का जानत हुआ, तो पता आते हम लोग ना मालूम होता आज जान जाए। अगर पहले केहू को बिया होकर और मैं निरहुआ के बुलावे के, हाँ अम्रपाली के बुलावे के, तो 20 लाख रुपया लगे, 20 लाख रुपया देवा तो बिया आगे दोनों जने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी दिमाग लगा देना, तब गरीब की बेटी को बिया हुई तुम हूं कि फ्री में ले जाओ। जितना हमारे बहनी लोग का बिया आज होता, हमारे भैया लोग जितना सबकर शादी होता है, गर्व से कहियां लोग तोरे बिया में क्या हो रहा, बहुत बड़का आदमी बनत हुआ। हमारे बिया में निरहुआ आ रहा है, हमारे पाली भी है, गर्व से कह सकल तो हम। और खाली इतने ना, जब निरहुआ अम्रपाली तो लोग के बिया में आए लो आशीर्वाद देवे खातिर, तो हर दुल्हा के एगो मंत्र भी निरहुआ के याद रखे गए, कहे कि हर दुल्ही का एक लालसा होने कि ओकर पति परमेश्वर जीवन भर ओके प्यार करे, सुखी रखे, ध्यान रखे। और यही से हर नव विवाहित दुल्हन के मन बात यह होले कि नई झुलनी के छैया बलम। 551 बेटी लोग गर्व से कहिया कि हमारे बिया हमें निरहुआ गाना गावे आला। और हमके लगा था कि पूछे देर में ड्रीम गर्ल अम्रपाली भी पहुंचे वाली है। बोला जय श्री राम, बोला जय श्री राम। तन नई झुलनी के छैया बलम,
दुपहरिया बिताई ना हो लगा के जे जहां वहीं से खड़ा रहा और हम फूल हो रहा है। तो भैया हर दुल्हन के दिल के यह तमन्ना होले तो हर दुल्हा के आज कसम खाए गया निरहुआ के साथ है बात कहे गया कि यही झूलनी के छैया गरी यही झूलनी के हम जिंदगी बिताई देव यही दुल्हनी के छैया गोरी हम जिंदगी बिताई देव लेके खड़ा रोजगार लघु उद्योग
लघु उद्योग के बढ़ावा देवे खातिर के पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आप लोग खातिर इतना धन देवे के तैयार हो कि बस तोहके मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, रोजगार करेंगे, अपने अंदर जवन कला वो कला के दिखावा, जवन क्षेत्र में आगे बढ़न चाहत हुआ आगे बढ़ा। और इकरे खातिर हमारे केंद्र सरकार भी और प्रदेश के सरकार भी आपके साथ है। तो हमने आज जितना बहन लोग के शादी भई ले सबके बहुत 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 शुभकामना देव हम। और काफी समय हो गई ले ब्याह संपन्न हो गए ना, तो उन लोग कुछ यहाँ आ गए हम लोग। अच्छा अच्छा इन लोग की कहा देवे के लिए दे दे सर यादव जी, इनके आगमन की खुशी में हम सभी गायक कलाकार हमारी पूरी टीम अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रही है। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि कृपया आप लोग रास्ता थोड़ा खाली करें और हमारे बीच में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे दूल्हा दुल्हन और पूरे परिवार को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए बड़े भाई माननीय श्री दिनेश लाल यादव जी, सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। और अब जोरदार तालियां होना चाहिए सभी लोगों के हाथों से, जोरदार तालियां हो जाए। और आइए कार्यक्रम की इन कड़ियों में एक स्वागत गीत हमारे कलाकार बंधुओं के माध्यम से, दो लाइन की केवल। आइए जिनका इंतजार
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच गायक कलाकार सौरभ सम्राट जी और अर्चना राज जी। और आज जिन जोड़ियों का विवाह हुआ है उनको शुभ आशीर्वाद स्वरूप एक छोटी सी गीत मैं आपका सिंगर शाह आलम सावरिया प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक गीत छोटी सी समर्पित कर रहा हूँ। और विशेष मैं अपने बड़े भाई दिनेश लाल यादव जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इस गीत को आप ध्यान देंगे। ये गीत समर्पित कर रहा हूँ हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन सार मिले। करते हुए आइए मैं अब सीधे सीधे चलता हूं जिनके इंतजार में हमारी पलकें बिछी हुई थी, जिनके लिए हमारे दिलों की धड़कन, क्या आप इस निवेदन को स्वीकार करते हुए आशीष वचन दूल्हा दुल्हन तक पहुंचाएं। और ऐसे नहीं, तालियां बड़ी जोरदार एनर्जेटिक होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच में माननीय सांसद जी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा जो ये 551 बेटियों की शादी का कार्यक्रम रखा गया है,
इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृष्ण हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो आपके बीच आ करके और किसी कार्यक्रम में उनका जाना हुआ, हमारे मैं पूर्व इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आज बड़ा मांगलिक कार्यक्रम है और प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। मैं अयोध्या की धरती पे जाके प्रणाम करके आया हूं, तो आज जो मैं ये शब्द बोलने जा रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। मंच में हमारी दो ऐसी बहनें बैठी हैं जो भावी सांसद हैं, हमारी नीलम सोनकर जी भी और हमारी वंदना सिंह जी भी, क्योंकि हमारे पूज्य मोदी जी ने जो महिला आरक्षण तय किया है, अब आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियां हमारी बहनें आपको सदन में नजर आएंगी। तो इसके लिए मैं यही कहता हूं कि हमारी भावी दो दो सांसद बैठी हुई हैं, वंदना सिंह जी हमारी, नीलम सोनकर जी हमारे, मनोज यादव भैया, और मनोज यादव भैया पहले यहां चुनाव लड़ चुके हैं और एक साल में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ को जो आशीर्वाद दिया है, जितना ध्यान दिया है, मैं ये भी कह सकता हूं कि आने वाले दिन में मनोज यादव भी आपके विधायक बने हुए नजर आएंगे। हमारे मनोज यादव भैया भी यहां उपस्थित हैं। हमारी पूर्व महिला की अध्यक्ष डॉक्टर मंजू जी यहां उपस्थित हैं, मधु जी हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मेरे छोटे भाई और बहुत ही ऊर्जावान जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज भाई, जिन्होंने विश्व में आजमगढ़ का नाम रोशन किया अपने कला के माध्यम से, ऐसे सूरज भाई के लिए जोरदार ताली मान बढ़ाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जो अधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग के, आपने 551 बेटियों की शादी कराएंगे, क्योंकि एक बात की हो जाएगा लोग की निरहुआ के आजमगढ़ मुख्यमंत्री जी के भेजे कारण का जानत हुआ तो पता तो लोग ना मालूम होता आज जान जाए। अगर पहले केहू को बिया होकर और में निरहुआ के बुलावे के हाँ अम्रपाली के बुलावे के तो 20 लाख रुपया लगे, 20 लाख रुपया देवा तो बिया आदमी दोनों जने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी दिमाग लगा देना, कहना गरीब की बेटी को बिया हुई तुम हूं की फ्री में ले जाओ। जितना हमारे बहनी लोग का बिया आज होता है, हमारे भैया लोग जितना सबकर शादी होता है, गर्व से कहिया लोग तोरे बिया में क्या हो रहा, बहुत बड़का आदमी बनत हुआ, हमारे बिया में नहीं रहो आ रहा है, हमारे पाली नहीं है, गर्व से कह सकल तो हम। और खाली इतने ना, जब निरहुआ अम्रपाली तो लोग के बियाह में आए लो आशीर्वाद देवे खातिर, तो हर दुल्हा के एगो मंत्र भी निरहुआ के याद रखे गए, कहे कि हर दुल्ही का एक लालसा होने कि ओकर पति परमेश्वर जीवन भर ओके प्यार करे, सुखी रखे, ध्यान रखे। और यही से हर नवविवाहित दुल्हन के मन में बात यह होने कि नई झुलनी के छैया बलम। 551 बेटी लोग घर
औरतों से कहिया कि हमारे बिया हमें निरहुआ गाना गावे आ रहा है। और हमके लगा था कि कुछ है देर में ड्रीम गर्ल आम्रपाली भी पहुंचे वाली है। बोला जय श्री राम। नहीं झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताई ना हो। और YouTube पर लाइव आई दिखावत हुआ लोग तो ऊपर तो हम लोग पैसों मिला है। हम लोग पता है यही से हम कोशिश करी ना कि कोनो कार्यक्रम में जाई तो हम लोग फेसबुक पर YouTube पर इतना मटेरियल दे देंगे तो हम लोग पैसा तो नहीं बेसी आवे तो हम एकदम अपने अपने मोबाइल में से ही लगा के जे जहां वहीं से खड़ा रहा और हम फूल उड़ा जाए। तो भैया हर दुल्हन के दिल के यह तमन्ना होले तो हर दुल्हा के आज कसम खाए गया निरहुआ के साथ है बात कहे गया कि यही झूलनी के छैया गरी यही झूलनी के छैया गरी हम जिंदगी बिताई दे पूरा देश एकदम तैयारी के साथ उतर गया
पूजने महाराज जी के इतना योजना आवे वाली है, एक आदमी बेरोजगार ना रहे, पढ़ाई लिखाई कर ले रहा। अगर तोके पहले जो हमन पढ़ाई लिखाई कर ले लिया तो हमन के पास 1 लाख रुपया भी ना रहे कि हमन कुछ रोजगार कर ले जा। लेकिन आज आज जितना चाहिए उतना देवे के लिए मुख्यमंत्री जी तैयार हो, कोनो गारंटी देने की जरूरत ना, लेना जितना पैसा ले लिया और लेके करा रोजगार। लघु उद्योग के बढ़ावा देवे खातिर के पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आप लोग खातिर इतना धन देवे के तैयार हुआ कि बस तोहके मेहनत करेंगे या रोजगार करेंगे। अपने अंदर जवन कला है वो कला के दिखावा, जौने क्षेत्र में आगे बढ़न चाहत वो आगे बढ़ा। और इकरे खातिर हमारे केंद्र सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी आपके साथ है। तो हमरे आज जितना बहन लोग को शादी भई ले सबके बहुत 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 शुभकामना देव हम। और काफी समय हो गई ले ब्याह संपन्न हो गए ना, तो उन हम लोग के कुछ यहाँ आ गए हम लोग। अच्छा चाहे लोग की कहा देवे के लिए दे दे जा सर लाइए ला। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, सरकार की कोई भी योजना का लाभ
धन्यवाद। छूट ना जाए आजमगढ़ के किसी भी व्यक्ति को, अगर कहीं से भी कुछ लाभ मिल सकता है तो वो लाभ हम लोग उनको दिला पाएं, इसीलिए हम लोग यहाँ। तो ये जो सामूहिक विवाह योजना का जो लाभ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिलता है, उसको हम लोगों ने पूरे जिले से खोज के और उनको सत्यापन करके और 551 बेटियों की और बच्चों की, मतलब 551 जोड़ों की शादी आज यहाँ कराई गई, संपन्न कराया गया। और कहीं ना कहीं ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो ये है कि बेटी जब पैदा होती है तब से लेकर के उसके विवाह तक हर कदम पे सरकार इनके साथ खड़ी है और हर कदम पे सहयोग करने के लिए खड़ी है। और इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कोई भी अगर व्यक्ति है और वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो हम वो लाभ उन तक पहुँचाएँ। ठीक, थैंक यू सर। भैया थोड़ा कम लोग रहे, शांति से थोड़ा जो शांति से डालो, इन लोगों को कुछ उपहार दोगे वो हम दे देंगे, उसके बाद फिर सुनाएगा आम्रपाली ने देखा हुआ आवाज। माननीय श्री कृष्ण पाल जी जिला अध्यक्ष सदर भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है, अभिनंदन करता हूं वंदन करते हुए गीत आप बधाई। जीवन में कभी विकार उत्पन्न न हो, हम उस प्रभु परमात्मा से कामना करते हैं। आइए अब सेहरा गीत की सदा कह रही है खुशी की।